टेलीजन जगत हो कि बलीउड फिल्म जगत से जे कमेडिया स्टाडअप कमेडिया जड़े आक्टर जे मल्टी टैलेंटेड स्टार आज आम सहित तो अच्छा बलीउड जगतर कृष्णा अभिषेक तां सहित तो सीधा सीधासल आलोचना करनेकमिंग ओडिया मुवि मामा वर्स पापा कृष्णा अभिषेक जी आपको स्वागत करती हूँ ओडा को और जगन्नाथ धाम को कैसा लग रहा है जगन्नाथ धाम को आने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है सिटी ऑफ टेंपल्स में आके बहुत साल पहले फ़र्स्ट टाइम आया था तो मुझे एक्सप्लोर करना बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं किसी सिटी जाता हूँ स्पेशली टेंपल सिटी जैसे मेरी फेवरेट सिटी वन ऑफ़ द सिटी इज़ है बनारस और मैं आधा बनारस से हूँ मेरी मदर फैमिली में मदर मेरी बनारस से तो उड़ीसा से उड़ीसा के बड़े फोटोग्राफ्स देखता था जगन्नाथ जी के दर्शन का वो जो न्यूज़ में दिखाते थे जो लाखों लोग बीच में चल रहे हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था बहुत फैसिनेटिंग लगता था तो फर्स्ट टाइम जब मेरे एक डायरेक्टर से मुलाकात हुई यहाँ के अशोक नंदा जी तो उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ कल्चर के बारे में बताया कि उड़िया में ऐसा होता है उड़ीसा में ऐसा है ये है वो है तो फिर वो मुझे फर्स्ट टाइम यहाँ पर लेकर आए थे तो मैं यहाँ पर आपके कोई बीच है समुद्र है क्या पता नहीं नाम ने मुझे पता है यहाँ से एक डेढ़ घंटे की दूरी पे है तो वहाँ पर मैंने फ़र्स्ट टाइम गया था वहाँ पे शूटिंग की थी फिर जगन्नाथ जी गया टेंपल में वहाँ दर्शन किया यहाँ पे सब लोगों से मिला मैं कल पीपली गांव भी जाकर आया मैं चंदनपुर में तो काफ़ी काफ़ी कुछ घूम चुका हूँ मैं यहाँ पर और जो लोग हैं यहाँ पर मुझे पता नहीं था कि इतना लोग हमारा शो वो देखते हैं और इतना लोग कॉमेडी को पसंद करते हैं यहाँ पर बहुत पसंद करते हैं क्योंकि मैं यहाँ जहाँ जहाँ गया हूँ जैसे मेफेयर में था मैं रुका हूँ मैं सब मेफेयर में ही रुकते हैं यहाँ पे आके तो वहाँ पर आज सुबह सब स्टाफ और सब लोग आ गए थे फ़ोटो वोटो खिंचाने बोलते हैं बहुत शो देखते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर हमारी जो कास्ट है जिस फिल्म के लिए मैं आया हूँ मम्मा बेट्स पापा आ, आ, सारे ही एक्टर्स बहुत ही अच्छे हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं सब लोग वेरी नाइस पीपल अभिषेक और प्रियंका है सुबुद्धि जो प्रोड्यूसर हैं डायरेक्टर हैं अपू सब लोग बहुत अच्छे हैं जी अभिषेक जी हम यह जानना चाहते हैं हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे आपका लाखों करोड़ों फैन भी है उड़ीसा में भी हैं लेकिन आप सबके पहले स्टैंड अप कॉमेडियन भी कैरेक्टर करते हैं आपको सभी पसंद करते हैं लेकिन जब उड़िया मूवी की बात करते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं तो बॉलीवुड मूवी में ऐसा क्या आपको अच्छा लगा आप इस मूवी के लिए साइन कर दी मुझे इसकी कहानी बहुत पसंद आई जब मुझे किसी ने ऑफ़र किया था कि उड़िया फिल्म करना है मैंने बोला मैं एक बार डायरेक्टर को मिलना चाहता हूँ तो मुझे मैंने बोला पता नहीं कि वो बॉम्बे आएंगे कि नहीं आएंगे लेकिन ये जो डायरेक्टर थे ये आए बॉम्बे मुझे मिलने के लिए और फिर इन्होंने मुझे पूरी कहानी सुनाई फ़िल्म की तो मुझे कहानी जो है वो बहुत अच्छी लगी फिल्म की बहुत ही इमोशनल कहानी है और उसके क्लाइमेक्स में जो है जो मुन्नी है वो मुझे एक लेटर लिखती है कि Uh, मैं आपकी फ़ैन हूँ और मेरे मम्मी पापा की वेडिंग है और मैं चाहती हूँ कि आप आओ यहाँ पे और uh, वेडिंग में चार चांद लगाओ तो uh, मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी तो मैंने बोला यार मैंने कभी उड़िया फिल्म की नहीं है और यहाँ की जो ऑडियंस है वो पसंद भी करती है तो उड़िया फिल्म में आऊँगा तो मुझे लगा मज़ा आएगा जी आपका ये डेब्यू फिल्म है अभिषेक जी और आप यहाँ पे उड़िया में काम कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं गोविंदा जी भी आए हैं उड़ीसा के बहुत सारे होस्ट भी किए हैं तो आपको कैसा महसूस अभी हो रहा है बॉलीवुड में क्या आप इसको प्रमोशन करेंगे कुछ बात करेंगे इसके लिए हाँ हाँ क्यों नहीं करेंगे यार हमारा एक पार्ट है ये भी मतलब प्रमोशन में मैं आऊँगा यहाँ पर भी आऊँगा और बॉम्बे में भी हम जितनी प्रमोशन कर सकते हैं उस लेवल पे करेंगे हम लोग मैंने बोला हुआ हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर को कि प्रमोट तो करेंगे हम फिल्म को जी अभी आपका कैरेक्टर जो हो आप तो रिवील नहीं कर सकते जितने देर कह सकते मेरा, मैं हाँ। फिल्म में एज कृष्णा ही आ रहा हूँ मुझे जब मैं आता हूँ तो मुन्नी भी एज कृष्णा ही बात करती है जितनी कास्ट है उन सबसे एज कृष्णा ही मेरी बात हो रही है आप ओडिशा के लोगों के जो आपको देखते हैं आपको सुनते हैं या फिर जो आपको पसंद भी करते हैं उनको क्या संदेश देंगे कि इस फिल्म को कैसे देखेंगे या फिर बहुत सारे ओडिशा के फिल्म हो रहे हैं लेकिन इस फिल्म में क्या ऐसा है कि आपको लोग देखेंगे आपको लोग जानने के लिए देखिए मेन चीज़ है पिक्चर की कहानी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है इस पिक्चर की कहानी बहुत अच्छी है पिक्चर के गाने बहुत अच्छे हैं और स्पेशली ये वाला जो गाना है जो हम लोग कर रहे हैं ये भी गाना बहुत अच्छा है बहुत मेलडी है एंटरटेनिंग गाना, गाना है शादी का गाना है तो आप लोग आइए थिएटर में और ज़रूर देखिए वैसे तो आप लोग सैटरडे संडे हम लोगों को वहाँ पर एंटरटेनमेंट करते देखते हैं तो फिल्म में देखिए उड़िया फिल्म में देखिए और ज्यादा मजा आएगा आप यहाँ पे भी आपका प्रमोशन कर दे लेकिन लास्ट रिएक्शन आपका जानना चाहूंगी कि आप जब उड़ीसा में काम कर रहे हैं अभी उड़िया भाषा जानने के लिए या फिर सुनने के लिए कैसा लग रहा है और कितने परिश्रम आपने किए उड़ीसा उड़िया की, की भाषा जानने के लिए परिश्रम तो मैं हर वक्त करता रहता हूँ <laughs> <laughs> जब भी कोई उड़िया बोलता है तब मेरा परिश्रम शुरू हो जाता है फिर मैं सोचने लगता हूँ ये आदमी क्या बोल रहा है फिर मैं उसके हाव भाव से समझ जाता हूँ कि या ये मेरी तारीफ कर रहा है या या ये मेरे कोई बुराई कर रहा है लेकिन बुराई कोई नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ सभी अच्छे हैं और सभी मुझे बड़ा प्यार दे रहे हैं बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं जितने भी आर्टिस्ट हैं यहाँ पे वो भी मुझे बड़ा प्यार रिस्पेक्ट करते हैं तो मुझे सबके साथ बहुत मज़ा आ रहा है उड़िया मैं बिल्कुल नहीं समझता लेकिन थोड़ी बहुत क्योंकि इतनी भी टफ़ नहीं है ऐसा नहीं है कि कोई बहुत तमिल या तेलुगू की तरह बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं है थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है मतलब ये डायलॉग बोलते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि इसका मतलब ये है मतलब एक बार समझा दो मुझे कि इसका मतलब ये बोला है इन्होंने तो मैं समझ जाता हूँ इतना इजी है उड़िया तो लास्ट रिएक्शन फिर एक बार मैं लेना चाहूँगी कि रजो जो हमारी फेस्टिवल है रजा यहाँ का सबसे बड़ा फेस्टिवल उड़ीसा के है तो आपका फिल्म उसी दिन रिलीज होने वाला है लोगों को क्या अपील करेंगे कि बहुत ये फिर... फिल्म एक सेलिब्रेशन होती है मैनो जब आप थिएटर में जाते हैं वो खुशी से परिवार के साथ जाते हैं फैमिली के साथ देखने के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि ये रजो फेस्टिवल में ये पिक्चर जो है रिलीज़ हो रही है तो फेस्टिवल के साथ साथ ये फिल्म भी एक फेस्टिवल है इसको भी मनाइए और थिएटर में ज़रूर जाकर देखिए मैं सबसे ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ थिएटर में जाइए अभी तो कोविड की वजह से दो तीन साल से थिएटर बंद थे दो साल से तो अब खुल गए हैं तो अभी खुले हैं तो फेस्ट और कोविड भी ख़त्म होने आया है बहुत अच्छी बात है सबकी तबीयत अभी सब सही हो गई है और ये को, कोई गंदगी अभी फैली नहीं है सारे नंबर्स भी नीचे आ गए हैं फिर भी थोड़ा बहुत प्रिकॉशंस तो रखना है सबको मास्क वास्क थोड़ा बहुत पहनने का लेकिन आई थिंक वो भी दो तीन महीने में चला जाएगा तो जब तक फेस्टिवल आ रहा है तब तक कोविड फ्री कंट्री हो जाएगी कोविड फ्री वर्ल्ड हो जाएगा तो आप लोग ये कोविड फ्री वर्ल्ड को